हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक और प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो मैंने रिसेंटली किया है। और इसमें हम समझेंगे कि कितना कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रोजेक्ट्स में और कैसे हम काम करते हैं। ठीक है, देखिए मुझे डेटा दिया गया था सिर्फ ये थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये रहा, ये मेरे पास डेटा था, सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, रेफरेंस नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बैलेंस और ये नरेशन। ठीक है, अब जो मुझे शीट्स दी गई वो ये थी, 10 हाईएस्ट डेबिट मेमो, ठीक है, जो मुझे निकालने थे, 10 हाईएस्ट क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स जो मुझे निकालनी थी। ठीक है, उसके बाद थी समरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, वहाँ पे मंथ आना चाहिए, नंबर ऑफ़ डेबिट, नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स, टोटल वैल्यू डेबिट, टोटल वैल्यू क्रेडिट। ठीक है, कैश फ्लो, उसके बाद नेक्स्ट शीट में था आपका ये समरी क्रेडिट्स का, कैश डिपॉजिट, चेक रिसिप्ट, ऑनलाइन रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट। ठीक है, कैश डिपॉजिट नंबर, नंबर नंबर ये था। ठीक है, स्टेटमेंट डेली, ईओडी, बैलेंस, ये मैंने अभी किया नहीं है। ठीक है, इसे करना है। इसमें मैंने ये किया है समरी ऑफ इंटरेस्ट पेड, डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट पेड, ये भी मैंने नहीं किया है। और यहाँ पर ये हो गया टोटल समरी ऑफ सैलरी पेमेंट्स। ठीक है, और इन शीट्स में ऑटोमेशन लगाना था कि जैसे ही इस शीट में डेटा चेंज हो, मतलब ये जो डेटा है ये चेंज हो जब हमारा, तो ऑटोमेटिकली सारी शीट अपडेट हो जाए। और देखिए इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं इसको मैं यूनिक ले सकूँ, वैसे एम्प्लॉय आईडी कुछ कुछ भी नहीं है, देखिए नथिंग। अब यहाँ पे है सीरियल नंबर, ठीक है, अब सीरियल नंबर कितने हैं, 2882 हैं। ठीक है, डेट है मेरे पास, ये देखिए डबल डबल आ रही है, डुप्लीकेसी है डेट में, इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ तक। ठीक, अब हमें क्या करना होता है, अब हमें करना होता है कि देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, किस बेस पे बना सकते हैं इसको यूनिक, है ना। सीरियल नंबर नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि देखिए ये सेम डेटा है और यहाँ पे अलग अलग सीरियल नंबर है, तो गलत हो जाएगा, इसको नहीं उठाएगा। ठीक है, और कुछ है नहीं हमारे पास, तो देखिए मैंने क्या किया, मैं वो आपको दिखाता हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ थोड़ा। अब मैंने क्या करा, पहले मैंने मंथ्स पे मंथ्स निकाला, मैंने हर डेट का, किसका, ये जो डेट है ये सारी कितनी डेट है काउंट करके बताता हूँ आपको, 2882 हैं। ठीक है, इसका मैंने मंथ्स निकाला है, यहाँ पर मंथ्स का सिंपल फॉर्मूला है, F2 करके इक्वल टू मंथ, और जो वाली डेट है C4 में वो सिलेक्ट कर दी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे मंथ्स आ जाएगा, जैसे पहला मंथ है, दूसरा, तीसरा, ऐसे कितने मंथ्स होंगे वो आ जाएंगे। सपोज मैं फिल्टर करके दिखाता हूँ, मंथ्स 12 होते हैं सिर्फ, तो इसमें 10th तक ही है, मतलब 11 और 12th मंथ तक कुछ है नहीं डेटा, 10th तक ही हमारा आ गया। अब देखिए 1 2 3 4 ये सब आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हमारे मंथ्स आ गए, लेकिन दिक्कत इसमें क्या है, अब देखिए एक ही मंथ कितनी बार आ रहा है, बहुत सारी बार आ रहा है, बहुत सारी बार आ रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अब मुझे यूनिक बनाने के लिए मंथ्स को मुझे काउंट ऑफ करना पड़ेगा कि जो जो 1 मंथ है वो कितनी बार है, 2 मंथ है कितनी बार है। तो मैंने मंथ्स नंबर्स निकाले यहाँ पर, देखिए काउंट ऑफ किया, आपको बता ही रखा है मेरी वीडियो में, आप चेक कर सकते हो, काउंट किया इस पूरे को और यहाँ डाला 1, कि 1 से काउंट कर दो, 1 कितनी बार है, इसने बताया 275 का। ठीक है, सेम 2 का, फिर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भी निकाला मैंने, 11, 12 0 था तो मैंने 12 तक निकाला, 12 से ज़्यादा मंथ होंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर मैंने रिसिप्ट भी निकाल लिया राइट से, रिसिप्ट किस में से, ये वाले में से, नरेशन में से, ये रिसिप्ट पेमेंट, रिसिप्ट पेमेंट ये हमें चाहिए था एक कॉलम में, इसे निकाल दिया। और न्यूमेरिक निकाला मैंने यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब देखिए सेकंड शीट पे आते हैं, अब उसने बोला 10 हाईएस्ट डेबिट ट्रांजेक्शन्स, डेबिट। ठीक है, अब डेबिट कहाँ है, ये है डेबिट अमाउंट। ठीक है, ये डेबिट अमाउंट है हमारा। अब 10 हाईएस्ट निकालनी है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए वीलुकअप लगाएंगे, लेकिन किससे लगाएंगे हम वीलुकअप। ठीक है, उससे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमने निकाला लार्ज, लार्ज का फंक्शन मैंने सिखाया था आपको कैसे निकालते हैं,
लार्ज निकालते हैं कि लार्ज कितना नंबर चाहिए, वन चाहिए। देखिए यहाँ पे वन है लार्ज, वन, यहाँ टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। टेन लार्ज का फंक्शन निकाला मैंने, किससे निकाला, यहाँ से, ये जो डेबिट है इसका लार्ज निकाला, ठीक है। इसका इस टोटल कॉलम का, एफ कॉलम का लार्ज वन, लार्ज टू, लार्ज थ्री, ठीक है, ये हो गया। अब नरेशन में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वी लुकअप लगाया, किससे, इस अमाउंट से, कैसे, ये जो डेबिट है यहाँ से, क्योंकि ये तो यहाँ से इसको चल सकता है वी लुकअप आराम से, और देखिए ये यूनिक है, यूनिक है, इसके बेस पे आराम से वी लुकअप ही लग जाएगा, ठीक है। अब क्या था, डेट। अब देखिए डेट कहाँ पर है हमारी, इसमें डेट है यहाँ पर। अब डेबिट से मैं अगर इसको वी लुकअप लगाऊँ तो लगेगा नहीं, ठीक है, ना ही नरेशन से लगेगा, तो हमें किससे लगाना पड़ेगा, हमें इंडेक्स मैच लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा यूज़ हुआ इंडेक्स मैच, देखिए इंडेक्स शीट वन मैच, ये आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में भी कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, टेन हाईएस्ट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सेम उसमें भी किया हमने, यहाँ पर हमने लार्ज निकाला, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, उसके बाद यहाँ मैंने वी लुकअप लगाया नरेशन में, ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स मैच लगा दिया डेट में, ठीक। तो सेकंड शीट कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड शीट में। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, वो समरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स, ठीक है। तो अब यहाँ मंथ्स में आ जाते हैं, मंथ्स के लिए मैंने क्या करा, अब मंथ्सों में यूनिक चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, इफ़ लगाया, इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन कैसे काम करती है, देखिए मैं बता, शीट वन पर आते हैं, देखिए जहाँ हमने मंथ्स निकाले थे ना यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा मंथ्स निकाला था ये, और यही हमने किया यहाँ पर। इफ़ शीट वन के फोर ग्रेटर देन ज़ीरो तो वन आ जाए, देखिए के फोर ये ग्रेटर देन ज़ीरो तो वन आ जाए, ठीक है। दूसरे में ग्रेटर देन ज़ीरो टू आ जाए, ऐसे करके मैंने इफ़ कंडीशन लगाई। तो इससे क्या हुआ, जैसे ये वन का था, ये टू का, थ्री का, फोर का, फाइव का, सिक्स का, सेवन एंड नाइन टेन का था, ये हमने देखी लिखा ही है ना, वन मंथ, टू मंथ, थ्री, फोर, फाइव, क्योंकि हमें पता है ऐसे काम कर रहा है ट्वेल्थ तक है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया इसको, ठीक है। अब आ रहा है वो नंबर ऑफ़ डेबिट्स। नंबर ऑफ़ डेबिट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट्स का है हमारे इसमें, डेबिट ये है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर निकालना है हमें, अमाउंट नहीं निकालना है, तो इसमें लगाना पड़ेगा काउंट। देखिए काउंट लगाया मैंने, ठीक है, नॉट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है तो कितना है वो काउंट करके दे दो, तो उसने दे दिया, ठीक है। जीरा ये हमारा सारा आ गया काउंट कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ डेबिट्स। और ये हमने कैसे निकाला है, मंथ वाइज निकाला है, ये जो मंथ आया ना हमारा, वन मंथ में कितना है, सेकंड मंथ में कितना है, तो वो हमने काउंट ऑफ निकाला है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रेडिट्स के लिए सेम किया हमने। फिर टोटल वैल्यू ऑफ डेबिट्स, टोटल वैल्यू ऑफ डेबिट्स के लिए हमने क्या सम इफ किया, सम इफ किससे किया, इससे मंथ से, देखिए मंथ सेलेक्ट कराया ना, पहले मंथ में कितना, सेकंड मंथ में कितना, और मंथ यहाँ पे कहाँ है, ये रहा हमारा मंथ, इसको सेलेक्ट किया और ये डेबिट को सम इफ लगा दिया, ठीक है। उसका टोटल वैल्यू ऑफ क्रेडिट, इसमें भी सम इफ लगाया हमने। और कैश फ्लो के लिए हमने क्या कर दिया, सम इफ कर दिया। कैश फ्लो कहाँ पर है, इसमें कैश फ्लो है क्या, जो ये बैलेंस है ना हमारा, ये हमारा कैश फ्लो है, ठीक है। तो ये हमने इसको इसका सबमिट कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ शीट पे। इसमें क्या था, समरी ऑफ क्रेडिट्स। समरी ऑफ क्रेडिट में मंथ हमने फिर वहीं से ले लिया, वही कंडीशन लगा के, ग्रेटर के फोर ग्रेटर देन ज़ीरो तो वन टू थ्री ट्वेल्व तक आ जाए। कैश डिपॉजिट में फिर हमने क्या समिफ लगाया, ठीक है। चेक रिसिप्ट में हमने चेक रिसिप्ट से समिफ लगा दिया, देखिए चेक रिसिप्ट सेलेक्ट हो रही है ना, ऐसे ऑनलाइन रिसिप्ट में ऑनलाइन से लगा दिया, जो भी हमने क्राइटेरिया दिया उसके हिसाब से लगा दिया। अदर रिसिप्ट हो गया, टोटल रिसिप्ट हो गया, ये रहा टोटल रिसिप्ट, हम सिर्फ मंथ से लगाया था, टोटल रिसिप्ट आ गई। अब यहाँ पे नंबर उसने पूछ लिया सेम इसका, जो जो हेडिंग्स हैं, तो नंबर्स के लिए हमने काउंट इफ लगा दिया, ठीक है। जब वैल्यू चाहिए थी सम इफ्स लगाया, और जब नंबर चाहिए थे काउंट इफ्स लगाया। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब हमें काउंट इफ लगाना है, कब सम इफ लगाना है, ठीक है। ये सब हो गया। अब आ जाते हैं शीट फाइव पे, स्टूडेंट डेली ईओडी बैलेंस, ये अभी मुझे वर्किंग करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये
समरी ऑफ इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड के लिए मंथ्स में सेम फॉर्मूला हमारा K4 > 0, और अमाउंट हमारा सम एफ्स आ गया, ठीक है, मंथ वाइज जो निकालना था। और समरी ऑफ सैलरी में भी सेम हो गया, ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स काउंट इफ्स हो गया, ठीक है, मंथ वाइज, और अमाउंट में भी काउंट इफ्स सम इफ्स, क्योंकि हमें अमाउंट चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है और आप देख सकते हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है और कितना इम्पोर्टेंट है, और इसमें कितने सारे फॉर्मूलेस यूज हुए हैं, काउंट इफ, सम इफ्स, इफ, लार्ज, मंथ। तो इस तरह से हम मल्टीपल फार्मूलेज का यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। ओके, थैंक यू।